दोस्तों मैं हूं शफीक और आप देखना शुरू कर चुके हैं सीमांचल मीडिया क्लिप्स। जी हाँ, अगर आपका भी अकाउंट है इंस्टाग्राम में या फिर आप भी चलाते हैं इंस्टाग्राम, तो ये अपडेट आपके लिए है। इंस्टाग्राम का ये एक नया फीचर है, एक नया अपडेट है। जिस तरह से आप व्हाट्सएप के अंदर वॉइस रिकॉर्डिंग भेज सकते थे, मैसेंजर के अंदर वॉइस रिकॉर्डिंग करके बात कर सकते थे, ठीक इसी तरह अब आप इंस्टाग्राम के अंदर भी वॉइस रिकॉर्डिंग मैसेज कर सकते हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग के जरिए बातचीत कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, अगर आपका इंस्टाग्राम अपडेट नहीं है तो आप अपना इंस्टाग्राम को अपडेट कर लीजिए। उसके बाद दूसरा काम आपको करना यह है कि जिस भी पर्सन को आप मैसेज भेजना चाहते हैं, आप उसके प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आपको उसके मैसेज बॉक्स में क्लिक करेंगे। मैसेज बॉक्स में क्लिक करने के बाद आप पहुंच जाएंगे उसके इनबॉक्स में। इनबॉक्स में जाने के बाद आपको सबसे नीचे की तरफ आपको मिलेगा मैसेज बार, तो वहां पे आपको क्लिक करना है। वहां पे क्लिक करने के बाद वहां पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, जैसे फोटोज का और इमोजी और बाकी जिफ वगैरह भेजने का आपको उसमें ऑप्शन मिलेगा। वहीं पे आपको एक बटन मिलेगा वॉइस रिकॉर्डिंग का। जी हाँ, वॉइस रिकॉर्डिंग भेजने का एक बटन मिलेगा। तो आपको करना क्या है, कैसे भेजना है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। इसके दो तीन तरीके हैं। तो सबसे पहला तरीका मैसेज भेजने का ये है वॉइस रिकॉर्डिंग के जरिए, कि आपको उस वॉइस रिकॉर्डिंग वाले बटन पे क्लिक करना है, क्लिक करके रखना है, दबा के रखना है। जैसे आप व्हाट्सएप पे दबा के रखते हैं, उसी तरह से उसको दबा के रखना है। उसके बाद आपको जो भी मैसेज बोलना है आप उस मैसेज को बोल लेना है। जब आपका मैसेज कंप्लीट हो जाए तो आपको उस वॉइस रिकॉर्डिंग वाले बटन से अपने फिंगर को उठा लेना है, तो आपका वो मैसेज पहुंच जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि आपको उस वॉइस रिकॉर्डिंग वाले बटन पे क्लिक करके ऊपर की तरफ स्वाइप कर देना है। ऊपर की तरफ जब स्वाइप कर देंगे तो वो आपका लॉक हो जाएगा। उसके बाद चाहे आपको जो भी कुछ बोल सकते हैं, जितनी देर तक बोल सकते हैं। बोलने के बाद जब आपका मैसेज कंप्लीट हो जाए तो राइट साइड की तरफ आपको एक बटन मिलेगा सेंड का, तो आपको उस सेंड के बटन पे क्लिक कर देना है, तो आपका मैसेज चला जाएगा। तीसरा तरीका यह है कि आपको उस वॉइस रिकॉर्डिंग वाले बटन पे क्लिक करके रखना है। क्लिक करके रखने के बाद आपको अपना मैसेज बोलना है। जब आपका मैसेज कंप्लीट हो जाए तो आपको राइट की तरफ स्वाइप कर देना है अपने फिंगर को, और आपका मैसेज चला जाएगा। अब बात करते हैं कि क्या भेजे हुए मैसेज को हम डिलीट कर सकते हैं। जी हाँ, फेसबुक मैसेंजर पे तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। व्हाट्सएप के तरीके से ही इंस्टाग्राम में भी है। व्हाट्सएप में क्या होता है कि अगर सामने वाले आदमी अगर मैसेज पढ़ने से पहले, मगर जिसको आपने मैसेज भेजा है उसके मैसेज पढ़ने या सुनने से पहले अगर आपने मैसेज को डिलीट कर दिया तो सही है, ठीक है। अगर सामने वाले पर्सन ने आपका मैसेज या पढ़ लिया या सुन लिया तो फिर डिलीट करने का कोई फायदा नहीं होता। इसी तरह से इंस्टाग्राम में भी है। इंस्टाग्राम में आपको कोई ब्लू टिक या कोई टिक नहीं मिलेगा, सिर्फ मैसेज चला जाता है। तो आपको इंस्टाग्राम में से मैसेज को डिलीट करने के लिए आपको करना ये होगा, जो भी मैसेज आपने भेजा है उस पर आपको थोड़ा सा क्लिक करके रखना होगा, दबा के रखना होगा, प्रेस करके रखना होगा। उसके बाद आपको स्क्रीन में एक मैसेज आएगा अनसेंड का, तो आपको उस अनसेंड बटन पे क्लिक कर देना है, तो आपका जो वॉइस रिकॉर्डिंग मैसेज आपने भेजा था वो डिलीट हो जाएगा। इसी तरह से जितने भी मैसेज आपने भेजे हैं वॉइस रिकॉर्डिंग, इसी तरह से क्लिक करके रखना है, अनसेंड बटन पे क्लिक कर देना है, तो आपका जो वो मैसेज डिलीट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्या बोलते बोलते अगर कोई चीज गलत हो गया है, जैसे वॉइस रिकॉर्डिंग वाले बटन पे क्लिक करके रखा और मैसेज बोल रहे हैं, बोलते बोलते बीच में कुछ ऐसा वर्ड निकल गया या कुछ ऐसा हो गया, तो मुझे वो मैसेज नहीं भेजना है, क्या भेजने से पहले, रिलीज करने से पहले उसको मैं डिलीट कर सकता हूँ? जी हाँ, डिलीट कर सकते हैं। व्हाट्सएप के तरीके से ही डिलीट कर सकते हैं। जिस तरह से व्हाट्सएप पे आप मैसेज भेजते हैं, भेजते भेजते बोलते ही बोलते अगर आपको मन में लगता है नहीं भेजना चाहिए, तो आपको राइट की तरफ से लेफ्ट की तरफ उसको स्वाइप कर देते हैं या स्लाइड कर देते हैं, तो आपका वो मैसेज डिलीट हो जाता है। इसी तरह से इंस्टाग्राम में भी आप कर सकते हैं। अगर आप वॉइस रिकॉर्डिंग बटन पर क्लिक करके रखे हैं, कोई मैसेज बोल रहे हैं, कुछ मैसेज
उसको भेज रहे हैं सामने वाले पर्सन को, तो अगर आपको लगता है ये मैसेज नहीं भेजना चाहिए तो आपको करना क्या होगा, राइट की तरफ से लेफ्ट की तरफ आपको स्वाइप कर देना होगा, तो आपका वो मैसेज डिलीट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।